तक इबादत जोगे हाजाज किया नसाना। शिवालिक श्रृंखला की रमणीय तलहटी में भ्रमण करते हुए लंबे तेज नयन नक्ष और गौर वर्ण परिवार अपने पशुओं के साथ पलायन करते हुए प्राय नजर आते हैं। ये वन गुजर हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है उनके पशु बेचैन होने लगते हैं और बार बार पर्वतीय ऊंचाइयों की ओर जाने का प्रयत्न करते हैं। कहा जाता है कि उनकी भैंसे ही उन्हें कूच करने के समय का एहसास दिलाती हैं और वो ही उन्हें अपनी पुरानी चारागाहों की ओर लेकर जाती हैं। उन्हीं के पीछे पीछे गर्मियों में ये अपने मैदानी डेरे छोड़कर अपने कुटुंबों सहित विशेष चारागाहों की ओर बढ़ जाते हैं। अलविदा टूरे लद साथी चायार गमोहारा हारा छोड़ो मड़फर राही दिगे आधा गाजारा। अधिकतर ये सफर सुबह सुबह की ठंडक में ही करते हैं और सूरज की गर्मी पड़ते ही थकी भैंसों को आराम देने के लिए पड़ाव डाल देते हैं। वन गुजर वन में रहने वाली एक खानाबदोश प्रजाति है जिसका व्यवसाय पशुपालन है, विशेषकर भैंसे। हिमालय की शिवालिक श्रृंखला की तलहटी में फैले हुए वन गुजर सर्दियों में नीचे आकर उत्तरांचल में देहरादून और सहारनपुर के आसपास के जंगलों में डेरे डाल देते हैं। ये डेरे अधिकतर किसी नदी या जल स्रोत के पास ही होते हैं ताकि इन्हें अपने प्राणों से प्रिय पशुओं के लिए जल की कमी ना हो। वन गुजर अपनी भैंसों की उत्तम जेनेटिक शुद्धता रखने में इसलिए सफल रहे हैं कि उन्होंने किसी और जाति के जीन्स से अपने पशुओं का मिश्रण नहीं होने दिया। ये दूध और अन्य दुग्ध पदार्थ हिमालय में बसे छोटे छोटे उपनगरों और तीर्थ स्थलों में पहुंचाकर गर्मियों में दूध की कमी को पूरा कर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी भैंसों के विषय में पूछने पर वो कहते हैं, भाई सबसे अच्छी भैंस तो है मुरला, और अच्छी तो अब्बल तो अपने हाथ पालने में होती है। जानवर मोटा होगा ताजा होगा अच्छा मालूम होता है, जो दुबला होगा वो बेकार मालूम होता है। वो तो पलाई के ऊपर ख्याल है, मालक के ऊपर और जगह के ऊपर। आजकल हमारे नीचे से पशु आ रहे गर्मी मारने हार गए, अब ये ठंडे में जाएंगे तो सारे मस्त हो जाएंगे, सब बढ़िया हो जाएंगे। तो जगह के ऊपर भी तो ख्याल होता है, खुराक के ऊपर भी होता है। खुराक आजकल जैसा चला हुआ है जमाना ऐसा ही है। अब मैंने कहा नहीं, मैं 75 साल का तो मैं हो रहा हूँ, अब आगे मेरे पोते दोते हैं जो सब बुढ़े हैं। हम आज भी डंडा लेके काम कर रहे हैं, वो उठ ही नहीं रहे। तो तंदुरुस्ती के ऊपर ख्याल है। विडंबना ये है कि परिश्रमी निरक्षर वन गुजरों ने समाज या सरकार से ना तो कभी कोई अधिकार मांगे और ना ही किसी संस्था या राज्य ने उनके अधिकारों के विषय में गौर किया। निरक्षर वन गुजर औपचारिक राजकीय कार्य प्रणाली से अनभिज्ञ सदा शोषित रहे, कारण कुछ भी रहे हों, कालांतर में ये शोषण बढ़ता ही गया। वर्ष 1992 में राजाजी नेशनल पार्क बनाया गया तो उन्हें वहां से हटने के लिए कहा गया। अंततः उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना ही पड़ा। मैं वन गुजर कम्युनिटी से हूं और हमें सन 1976 में वन विभाग द्वारा बसा दिया गया था, जिस वजह से हमारे परिवार के सिर्फ मैं और मेरा भाई पड़े थे। सन 1992 तक हमारी कम्युनिटी में मुश्किल से 3 या 4 लोग पढ़े लिखे थे, अन्य कोई ऐसा पढ़ा लिखा नहीं था। थोड़ा बहुत को उर्दू या अरबी जानते थे। और जब सन 1992 में एक राजाजी नेशनल पार्क की वजह से गुजरों को रोका जा रहा था, उस वक्त एक मीटिंग में कौशल साहब ने देखा कि वन गुजर सीधे साधे इनके हकूक को ख़त्म किया जा रहा है। तो उसके बाद कौशल साहब ने मीटिंग बुलाई और कहा कि ऐसे नहीं तुम्हें निकाला जा सकता, तुम्हारे हक हैं, तुम लोग टैक्स देते हो, ऐसे नहीं रहते तुम जंगलों में। कौशल साहब ने ये बताया कि सबसे बड़ी समस्या है तुम अनपढ़ हो, इस वजह से तुम्हें बेदखल किया जा रहा है, तुम्हारे हकों को दबाया जा रहा है। तब कम्युनिटी की तरफ से आवाज़ आई कि साहब हमें पढ़ा दिया जाए जिससे कि हम भी कुछ दुनिया के बारे में जान लें। बहुत बड़ी मीटिंग में
एक गुजर खड़ा हुआ और उसने कहा जो हमारी जितनी भी समस्याएं हैं उसका एक और भी कारण है कि हम में से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है एक भी आदमी, और इसीलिए हमें दूध वाले बनिए भी, जंगलात वाले भी, पुलिस वाले भी, कोई गांव वाले भी, सब हमारा शोषण करते हैं जबकि ये पूरे टैक्स देते थे। तो ये सोच करके हमने सोचा कि एक साक्षरता में कार्यक्रम इनके लिए शुरू किया जाए, और मैं बात किया राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के महानिदेशक से और सेक्रेटरी शिक्षा भारत सरकार से, उनको बताया कि इस तरह के लोग हैं। तो उन्होंने कहा इसको तो आप फौरन शुरू कर दीजिए और इसमें जो भी कोई मदद की जरूरत है तो वो हम लोग देंगे। राष्ट्रीय साक्षरता अभियान अपनी कार्य प्रणाली के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटियों को अपने अभियान का अभिन्न अंग मानता है, और इसी कार्य प्रणाली के अंतर्गत उन्होंने वन गुजरों के साक्षरता अभियान का काम देहरादून स्थित एक एनजीओ रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र रैलक को सौंपा, और रैलक के अध्यक्ष श्री अवधेश कौशल की देखरेख में एक अद्वितीय प्रयोग किया। हम लोगों ने शुरुआत में रूलक के जो यंग लोग थे, वॉलंटियर्स थे, हम लोग निकले जंगलों में और गुजरों का एक सर्वे करने निकले। सर्वे होता था वो दिनों दिन तक, क्योंकि गुजर पूरे शिवालिक में थे और हम लोगों को उनका बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं पता था कि वो कहाँ कहाँ रहते हैं। तो हम लोग डेरों डेरों से आगे पता करते करते 15-15 दिन हम अपने जंगलों में ही रह के उनका पूरा सर्वे कर रहे थे। और ऐसे भी कई दिन आए कि जैसे रात को हाथी आ गया, सुबह तक हम पेड़ में ही बैठे रहे, जब तक हाथी गया नहीं। तो हम लोगों को ये सब भी देखना पड़ा क्योंकि शहर के हम बच्चे थे, वॉलंटियर थे। धीरे धीरे हम अपने जो समुदाय था, वन गुजर का जो समुदाय पुरुष, उनके एक जीवन का अंग बन गए, वो हमारे जीवन का अंग बन गए। हम उनके साथ परिवारों में रहने लग गए, उनका रहन सहन खान पीन हम लोगों ने शुरू कर दिया, हाथ से रोटियां बनाना सीख ली। शाम को सब बैठ के चूल्हे के आगे सब एक दूसरे की बातें करते थे, और जो हमारी उम्र के जो गुजर भाई बहन थे, अपनी अपनी समस्या, कोई अपनी शादी की समस्या, कोई अपने दूध की समस्या, किसी की भैंस बीमार है उसकी समस्या, और बड़ी हम लोग उसमें इतने जुड़ गए कि एक दूसरे की समस्या हमें अपनी लगने लगी। साक्षरता प्रदान करने के लिए वन गुजरों के लिए शिक्षा सामग्री 3 प्राथमिक पुस्तकों के रूप में उनके ही शब्दों, उनकी ही भाषा, उनके ही किस्से कहानियों, यहाँ तक कि उनके ही नामों को लेकर तैयार की गई। इससे उनके लिए पढ़ाई बहुत आसान हो गई। ये प्राथमिक अभ्यास पुस्तकें 6-8 महीने की अवधि में लगभग 200 घंटे के अध्ययन से एक वयस्क को आसानी से साक्षर बना सकती हैं। साथ ही एक बड़ी समस्या ये भी थी, क्योंकि ये तो अंदर जंगल में रहते हैं, वहाँ कोई पढ़ा लिखा आदमी इनमें से तो कोई था नहीं। तो ये पहली पीढ़ी थी प्रौढ़ लोगों की जिनको पढ़ाने की बात की जा रही थी और सोचा जा रहा था। तो हमने कहा आपको मास्टर हम देंगे, आपको किताबें हम देंगे, लेकिन मास्टर को रहने का इंतजाम आपको करना पड़ेगा। उन्होंने कहा तू वो चिंता मत कर, वो खाने पीने का रहने का हम इंतजाम करेंगे। तो ये 350 वॉलंटियर्स हमने ट्रेन करी। कहाँ से लिए? जो आसपास के जितने भी गांव हैं, उन गांवों में बहुत सारे बच्चे जो गुजरों के बच्चे नहीं थे, वो 12वीं पास, बीए पास, कोई कोई तो एमए पास खाली बैठे थे, यंग लोग, और उनमें भी हीन भावना आ रही थी। तो हमने उनको ट्रेनिंग किया, और ट्रेनिंग में सब यंग लड़के लड़कियां ही रखे। साक्षरता के घेरे में किसी स्थायी निवास वाले समुदाय को लाना तो फिर भी संभव है, परंतु जो हर रोज अपना डेरा बदल दें, उनको साक्षर बनाना बेहद मुश्किल काम था। इसके लिए 350 ऐसे युवक और युवतियों का चयन करना था जो 24 घंटे वन गुजरों के साथ उनके डेरों में रहकर उनके साथ सफर करते हुए उन्हें साक्षरता प्रदान करें।
और इस तरह 20,000 वन गुजरों को साक्षर किया गया। हमें पता चला कि वन गुजरों के लिए पढ़ाई का कार्यक्रम चल रहा, ये रिलैक्स संस्था द्वारा शुरू हुआ और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 350 वॉलंटियर चाहिए थे। उस समय मैंने भी इसमें भाग लेना चाहा और मुझे भी इसमें भाग लेने का मौका मिला। उस समय मैंने कक्षा 10वीं पास की थी, उसके बाद ही मैं आगे पढ़ा और मैंने 12वीं भी की। उस जब हम इनके बीच में गए, इनकी भाषा कुछ अलग थी, इनकी भाषा हमने सीखी, हमें बहुत अच्छा लगा और फिर हमने पढ़ाई का कार्यक्रम शुरू किया। सबसे पहले इनमें प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चला जिसमें नया सफ़र भाग एक, नया सफ़र भाग दो, नया सफ़र भाग तीन, इनको पढ़ाने के लिए 3-3 महीने का टारगेट होता था। नया सफ़र एक 3 महीने में, नया सफ़र 2 3 महीने में, नया सफ़र 3 उसमें करनी पड़ती थी। इसमें हिंदी और गणित का ज़्यादा महत्व था जिससे ये अपना मतलब कि चिट्ठी पत्र लिख सके या फॉरेस्ट से आया कुछ कागज़ वो पढ़ सके कि ये अपना जैसे दूध का हिसाब है वो अच्छी तरह से कर सके, समझ सके, लिख सके। जैसे महाजन वगैरह दूध देते थे, उनको दूध देते थे कि मैंने कितना रुपये लीटर दूध दिया, कितना मेरा दूध हुआ। तो इसलिए हमारा इनमें काफ़ी अच्छा इन्होंने पढ़ने का वो भी हुआ। तो जैसे जैसे ये लोग गर्मी के मौसम आते रहते पहाड़ जाते थे तो हम भी इनके साथ पहाड़ गए, पहाड़ जाते चक्राता मोहरी सांकरी, हम भी इनके साथ पहाड़ में गए और इनके साथ साथ रास्ते में भी जैसे ही खाना खाते थे ऐसे ही खाते थे और जैसे ही पहाड़ से आना था ऐसे हम इनके साथ आते थे। पैदल ये जाते थे, पैदल इनके साथ हम घोड़े बैलों के साथ हम जाते थे और रास्ते में इनके साथ मदद भी करनी पड़ती थी। मदद के साथ साथ रास्ते में जहाँ भी हमें 2 दिन का पड़ाव लगता था वहीं पर हम पढ़ने के लिए इनको आग्रह करते थे। इन्हें गोल घेरे में बैठा के, जैसे गोल घेरा किया और गोल घेरे में बैठा के इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो हमने अच्छा भी मानते थे और घर का सदस्य जैसे रखते थे हमें। जहाँ इस अद्वितीय प्रयोग से साक्षरता जैसी संजीवनी पाकर वन गुजर अपने को सशक्त पाने लगे, वहीं इनके अध्यापकों को जो पहले शिक्षित बेरोजगार थे अचानक आशा की एक नई किरण के दर्शन हुए और अपने जीवन की सार्थकता का बोध हुआ। फरीद और सफी भाई भाई हैं। फरीद और सफी के डेरे करीब करीब है, सब में मेल है। हमारे यहाँ संस्था के लोग आते थे पढ़ाने के लिए, हम वहाँ सभी बच्चे बैठ के पढ़ते थे। हम सभी बहन भाई थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं और सभी वहाँ पढ़ते थे और हमें बहुत अच्छा लगा पढ़ाई। अब हम कहीं भी जाते हैं बाहर, कहीं भी जाते हैं और डॉक्टर को पहचान लेते हैं, कहीं गाड़ी का नंबर पहचान लेते हैं और कहीं भी हमें जाना होता हम भूलते नहीं हैं। और अपनी सफाई के बारे में हम हर किताब पढ़ लेते हैं, हर चीज़ पढ़ लेते हैं और इस पढ़ाई से हमें बहुत फ़ायदा हुआ। हम देहरादून में जाते थे, वहाँ हमारी मीटिंग होती थी तो वहाँ पर हम गज़ल गाते थे, कहानियाँ पढ़ते थे, सुनाते थे सबको और हमें पढ़ाई अपनी बहुत अच्छी लगी। अब हम सोचते हैं कि हम और पढ़ लिख लेते तो और बेहतर था। आज थोड़ा या अधिक लगभग सभी लोग साक्षर हो गए हैं। जी मैं उर्दू अरबी पढ़ी हुई, हिंदी पढ़ी हुई, कम पढ़ी हुई, ये आगे पढ़ना को पढ़ने की कोशिश करती हूँ। आप किस कक्षा तक पढ़ी है? 2 क्लास पढ़ी हुई। हमारे यहाँ साक्षरता स्कूल बने जिसमे हमारे बड़े लोग पढ़ चुके, फिर यहाँ दूसरा स्कूल बना जिसके कारण हम भी यहाँ पढ़ चुके और इस स्कूल में हमने 8वीं पास की। सर हमने यहाँ पे 8वीं पास किया, अब हमने 10वीं करना चाहते हैं लेकिन हम पढ़ नहीं सकते, यहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि हम स्कूल में आगे पढ़ ले। क्या सोचते हैं, आपको पढ़ने से कुछ फायदा हुआ? पढ़ने से सर हमें कई प्रकार के फायदे हुए, जैसे हम खल चौकर का हिसाब जोड़ सकते हैं वो भी जोड़ लेते हैं और जैसे कहीं हमें इधर उधर आना जाना पड़े गाड़ी का नंबर भी पढ़ लेते हैं, जैसे किसी के यहाँ से कोई चिट्ठी आई उसे भी पढ़ सकते हैं हम यहाँ। तो आपको क्या लगता है, क्या आप अपने बच्चों को आगे पढ़ाएंगे? सर हम तो आप अपने आप ही पढ़ना चाहते हैं लेकिन बच्चे तो पढ़े ही पढ़ेंगे। अच्छी बात तो ये है कि वो अपनी अगली पीढ़ी के लिए शिक्षा की मांग कर रहे थे। पर हमारी पढ़ाई हो नहीं सके, हम क्या करें? अब जब आपकी पढ़ाई छूट चुकी है तो कहीं ये तो नहीं होगा कि आप सब कुछ भूल जाएं?
सर हम जो ऐसे किताबें होती है स्कूल में रखी होती है उन्हें लाते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, पढ़ के वापस स्कूल में छोड़ देते हैं। और जो बच्चे के पास किताबें होती है फालतू टाइम में हम उन्हें भी पढ़ते हैं घर में, और छोटे बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा उन्हें भी पढ़ाते हैं। स्कूल में तो ये पढ़ते हैं पर हम घर में भी इन्हें थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं कि ये भी पढ़ ले। राष्ट्रीय साक्षरता अभियान की कार्य प्रणाली में नव साक्षरों को साक्षरता प्रदान करने के पश्चात भी साक्षरता में उनकी रुचि बनाए रखने के लिए ग्राम पुस्तकालयों का प्रावधान भी है। वालेकुम सलाम जी, क्या के लेना साहब, कड़ी किताब लेने त्रैबाग। पहले पहले उन्हें ये सुविधा मोबाइल पुस्तकालयों द्वारा उपलब्ध करवाई गई थी, पर अब ये जिम्मेवारी वन गुजर समुदाय ने अपने ऊपर ले ली है। राष्ट्रीय साक्षरता अभियान का ये मानना है कि यदि ये सुविधा ना हो तो नव साक्षर जल्दी ही पढ़ना लिखना भूल सकते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता अभियान अपने हर साक्षरता कार्यक्रम का सूक्ष्म विश्लेषण और सफलता का मूल्यांकन करता है। वन गुजर समुदाय के संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम का मूल्यांकन साक्षरता मेले के आयोजन में पत्रकारों और कई बुद्धिजीवियों के समक्ष किया गया, और ये सभी के लिए एक सुखद आश्चर्य साबित हुआ। इस प्रयोग की सफलता से वन गुजर समाज को अपने अंदर एक नई शक्ति का संचार महसूस हुआ। हमारे को सारी मुश्किल थी जी, जब पढ़ाई हमारे बीच में नहीं थी तो हमें हिसाब किताब करना नहीं जानते थे, अपना बिजनेस वगैरह का काम नहीं कर पाते थे। अब अपनी भैंसों के लिए खल चोकर लाते थे तो बढ़िया जो भी चाहते लिख देते थे, तो हमारे पास कोई वो उसका सबूत नहीं था कि हम लोग क्या करेंगे, तो हम बिल्कुल ही अनपढ़ थे, हमें कोई नॉलेज ही नहीं थी। जल्दी जाओ भाई। अब वो समझ चुके थे कि जो दूध बिचौलिए उनसे 6-7 रुपए लीटर खरीदते हैं वो आगे जाकर 16 रुपए लीटर बिकता है। अब वो स्वयं दूध शहर तक पहुंचाने लगे। रूलक की सहायता से वर्ष 1996 में सोफिया नाम से एक दूध सहकारिता संस्था का स्थापन किया गया। एक गाड़ी का प्रबंध भी कर लिया गया जो दूर दराज के डेरों से दूध इकट्ठा कर शहर ले जाती है। उनके डेरों में आज आर्थिक विकास की झलक साफ दिखाई देती है। उन्होंने दूध का एक अभियान चलाया था कि हमारा दूध यहाँ से 6-7 रुपए किलो बिकता था। 6-7 रुपए किलो के बिकने के बजाय में उन्होंने एक गाड़ी मंगवाई कहीं से बाहर से, ही तो मुझे नहीं जानता कहाँ से मंगवाई। उसके साथ जो थी फ्रिज वगैरह या दूध के टेम्परेचर देखने वगैरह, और वो साथ में आया। फिर यहाँ से उन्होंने फिर हमारा दूध खरीदवाना शुरू करवाया जिसमें मैं साथ जाता था। उन्होंने फिर यहाँ वो टेस्ट की मशीन मंगवाई, टेस्ट की मशीन मंगवा के उन्होंने फिर यहाँ वो दूध टेस्ट हमको सिखाया करना कि ये इतनी क्वालिटी का दूध असल होता है, इसमें से ये बढ़ोतरी होती है। तो उस साल हमारा दूध 10 रुपये किलो बिका, मतलब 4 रुपये किलो के पीछे बढ़ गए। साक्षरता से जहाँ वन गुजरों का आर्थिक विकास हुआ है, वहीं उनमें अपने और अपने पशुओं के स्वास्थ्य के विषय में जागरूकता भी आई है। बाद में जब हमारी भैंसों में बीमारियां पैदा शुरू होने हुई तो उन्होंने फिर हमारे बीच में भैंसों का डॉक्टर छोड़ा, साथ में एक गाड़ी और एक डॉक्टर, और डॉक्टर ने आके हमको वो बीमारियां बतलाई कि ये बीमारी ये होती है, सर्रा रोग है ये, या ये फला रोग है। फिर रुलक ने उसको भी छोड़ते हुए, डॉक्टर तो रहा ही रहा हमारे बीच में, फिर हमारे लड़कों को ट्रेनिंग देने शुरू करी। यहाँ से देहरादून ले गए 10 दिन या 5 दिन या 2 दिन, जितने की वो ट्रेनिंग रखा करते थे इतनी उन्होंने वहाँ उन लड़कों को ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग दे के भाई इंजेक्शन जो भैंस के जो इंजेक्शन लगता है ये चमड़ी के अंदर लग रहा है या मांस के अंदर लगेगा, वो पूरा तजर्बा उन्होंने उनको बताया। देखिए साक्षरता का एक सबसे बड़ा फायदा ये हुआ वन गुजरों में, एक गुजर खड़ा हुआ और उसने कहा कि अभी कुछ लोगों के थोड़े बच्चे ज्यादा हो रहे हैं तो कुछ इसका भी इलाज करो, पर क्योंकि उनके धर्म में ये है कि चीर फाड़ नहीं होनी चाहिए तो उन्होंने कहा कोई चीर फाड़ नहीं हो। उनकी महिलाएं और वो खुद भी अभी फैमिली प्लानिंग के जो मेथड्स है वो एडॉप्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ से गोलियां कॉपर्टी कंडोम वगैरह ये लेकर के जाते हैं। शिक्षा से वन गुजर समुदाय में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है,
परंतु वो अब भी अपनी संस्कृति और सादगी से दूर नहीं हुए। वो आज भी अपने डेरों में दरवाजे नहीं लगाते। ऊंचे पहाड़ों और बोगियालों में वो अपने घर जंगल में पाई जाने वाली सामग्री से कलात्मक रूप में बनाते हैं। शिक्षा अपने साथ सफाई और स्वास्थ्य संबंधी सुधार भी लेकर आई। इनके घर साफ और करीने से सजे हुए होते हैं। वन गुजर समुदाय की एक और विशेषता देश के लिए एक आदर्श बन सकती है। ये केवल आवश्यकताएं, लालच नहीं को जीवन का सार मानते हुए कुछ संचय नहीं करते। इनके घरों में केवल आवश्यक बर्तन और परिवार व पशुओं के लिए खाद्य सामग्री ही होती है। महिलाओं में भी बहुत मैं बदलाव देखती हूँ। शिक्षा ने केवल उनको अक्षर ज्ञान न देकर बहुत कुछ दिया है। वो आज फैमिली प्लानिंग का इम्पोर्टेंस समझ रही हैं, उसको अडॉप्ट करा उन्होंने। उन्होंने अपने बच्चों के लिए टीकाकरण में बहुत मतलब वो आगे बढ़ बढ़ के आई हैं और अभी भी उसको काफ़ी अपने बच्चों के लिए अपना रही हैं। स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत हो गई हैं, साफ सफाई के प्रति सचेत हो गई। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के शिक्षित होने आज उनके जो अपनी जो नई जनरेशन है उनके लिए शिक्षा का महत्व बहुत महसूस कर रही है वो। और इसी के स्वरूप रेलेक ने 4 स्कूल जंगलों के बाहर खोले हैं जहां पर हमारे बहुत से वन गुजर बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। और एक ये बिल्कुल ही एक नया जनरेशन ऑफ लिटरेट्स हम आ रही तैयार हो रही है इस समुदाय में। अब समस्या थी दूर दराज के डेरों से बच्चों को स्कूल तक लाने की। ये समस्या भी रूलक ने एक निशुल्क बस सेवा चलाकर सुलझा ली। बच्चों के लिए स्कूल का आकर्षण और बढ़ गया। अब बस की सवारी और अपनी उम्र के सहपाठियों का साथ उन्हें स्कूल की ओर खींचता था। गाड़ी का तेल का हमें कोई मालूम नहीं, गाड़ी का तेल कहाँ से आ रहा है और हमें ये मालूम नहीं गाड़ी की टूट फूट कहाँ से हो रही है। हमें ये मालूम नहीं है ड्राइवर की तनख्वाह कहाँ से आ रही है। ये वो जाने या उनका काम जाने कि वो कहाँ से पूरा कर रहे हैं, गवर्नमेंट दे रही है उन्हें या नहीं दे रही है या बाहर से खींच रहे हैं। कि हमें टाइम से गाड़ी यहाँ से ले जाती है बच्चों को और स्कूल में ले जाते हैं और स्कूल से पढ़ा के बच्चों को फिर वापस लाते हैं यहाँ। भाबा का जन 30 अक्टूबर सन 1909 में। यदि देश का प्रत्येक पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय साक्षरता अभियान के इस आदर्श उदाहरण का अनुसरण करे तो कोई कारण नहीं कि भारत निरक्षरता के श्राप से मुक्त ना हो। हाँ, आवश्यकता है वैसी ही लगन की जैसी वन गुजरों में थी। हम गुजर जंगल के वासी, जंगल अपना घर है। गाय भैंस जायदाद हमारी, दूध हमारा धन है। मेहनत करके हम खाते हैं अपने मन के राजा। पहले तो उन्हें कुछ भी नहीं आता था, पढ़ना लिखना सीखना बड़ी मुश्किल होती थी। धीरे धीरे सीखते सीखते अभ्यास करते करते अब वो अच्छे पढ़ लिख गए हैं। कुछ बच्चों ने हाई स्कूल भी कर लिया है और कुछ बच्चे और आगे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ बच्चों ने अपना व्यावसायिक कार्य भी पढ़ाई के साथ साथ अपने कार्य करने शुरू कर दिए हैं। हमारी धरती की प्राकृतिक संपदा के सच्चे रखवाले ये वन गुजर राष्ट्रीय साक्षरता अभियान के सौजन्य से आज और भी संवेदनशील हो गए हैं। ये सीधे सादे भोले लोग इतने कोमल हृदय हैं कि किसी ढोल या ढपली का प्रयोग भी नहीं करते कि कहीं वन्य जीव या वनस्पति प्रदूषित ना हो जाए। उनका कहना है कि उनके द्वारा बनाए गए पानी पीने के स्थान मात्र उनके पशु ही नहीं सभी जंगली जानवर भी इस्तेमाल करते हैं। इसी कारण जब वो डेरी छोड़कर जाते हैं तो जंगली जानवर भी उनके साथ पलायन कर जाते हैं। लॉपिंग या वृक्षों की छटाई के विषय में भी उनका कहना है कि उन्हें जंगल के पेड़ों की समझ है। उनका इन पेड़ों से सदियों का रिश्ता है। वो जानते हैं कि किस प्रकार से पत्तों और टहनियों की छटाई की जानी चाहिए ताकि नए पत्ते और टहनियां बहुत जल्द
फिर से पेड़ को सजा दें। उनका ये भी कहना है कि जंगली जानवर उनके इतने आदि हो चुके हैं कि उन्होंने अक्सर जंगली जानवरों को अपनी भैंसों के साथ छटाई की हुई टहनियां और पत्ते खाते देखा है। श्री कौशल अभियान की सफलता का श्रेय राष्ट्रीय साक्षरता अभियान को देते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा तो मैं धन्यवाद करूंगा वन गुजरों को, जिन्होंने हमारे शिक्षकों को अपने घर में रखा, अपने परिवार के तरह से उनको दूध, मक्खन, घी, रोटी जो भी वो खाते थे वो उनको खिलाया और अपने परिवार में रखा। उसके बाद में मैं साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, उनको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और उनसे भी ज़्यादा मैं धन्यवाद करूँगा जो भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय जो उसको देख रहा था, क्योंकि अगर किसी को सरकार को ये कहा जाए कि हम नॉमेड लोगों को पढ़ाएंगे तो आसानी से कोई यकीन नहीं करता, लेकिन उन्होंने हमें यकीन किया, हमें भरोसा रखा और हम उस भरोसे पे पूरे उतरे, ये भी इसका भी हमको बहुत गर्व है। उससे भी ज़्यादा मैं अपने वॉलंटियर्स को कहूँगा, उन्होंने भी कमाल करके रखा। यंग लड़के लड़कियाँ, किसी की कोई शिकायत नहीं, तो उनको भी मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करूँगा और श्रेय दूंगा इस सब का।